तो फिर इंसान बनकर जी, लिया है जन्म मानव का तो फिर इंसान बनकर जी, और भले ही एक दिन को जी मगर पहचान बनकर जी। कुछ लोग हैं चंद समय के लिए आते हैं लेकिन अमर हो जाता है उनका नाम, भले ही एक दिन को जी मगर पहचान बनकर जी, और मिला है जन्म भारत में ये सौभाग्य है तेरा, वतन की आम बनकर जी, वतन की शान बनकर जी, वतन की आम बनकर जी, वतन की शान बनकर जी। क्योंकि ये देश हमारा अपना देश है और हमारा प्रत्येक कार्य देश के हित में होना चाहिए, चाहे हम जो भी कर रहे हैं उसमें देश का हित जरूर होना चाहिए, चाहे अध्यापन कार्य करते हैं या सिविल का करते हैं या और कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें देश हित अवश्य होना चाहिए। हम कहीं जा भी रहे हैं तब भी हमारे नजरों में देश हित होना चाहिए। अगर कोई नल खुला हुआ है हमने उसको बंद कर दिया तो ये भी देश की सेवा हुई, तो इस तरह से देश सेवा में लगना चाहिए हमको। और मेरा तो मानना यह है कि जिन्होंने दर्द पीकर बांट दी खुशियां जमाने को, उन्हीं को सर झुकाते हैं सदा इतिहास के सामने। और कभी कोई हमारे भूमि पर नजरें उठाता है तभी भूचाल लाते हैं सदा इतिहास के सामने। और वतन की मान मर्यादा न खंडित हो सके किंचित, लिया संकल्प रक्षा का कफन को बांध कर सर पर, और जिन्होंने ले लिए बलिदान अपने देश की खातिर उन्हीं के गीत गाते हैं सदा इतिहास के पन्ने, उन्हीं के गीत गाते हैं सदा इतिहास के पन्ने, उन्हीं के गीत। आज इतिहास के पन्नों में वही नाम है जिन्होंने देश के लिए, उसका नाम नहीं आ सकता, लेकिन बिल्कुल कंगाल हो यदि उसने देश और समाज के लिए अपने वरदान दिए हैं तो इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा रहता है। इसलिए हम जो भी कार्य करें उसमें हमारे देश हित अवश्य रहना चाहिए। और देश से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता, सेना हमारे देश की सुरक्षा में लगी हुई है और हमारे जो विद्रोही हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, शत्रुता निभाने में तुले हुए हैं, वो समझ रहे हैं भारत पता नहीं क्या।